और बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के बाद उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट भी सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता से जुड़ी एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यूपी सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ यूपी गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता की जाँच करेगी। आपको बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट की वही पीठ है जिन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगाया था। दायर की गई जनहित याचिका को लेकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह दलील दी है कि यूपी गैंगस्टर एक्ट में ऐसे प्रावधान हैं जिसके चलते पुलिस ही शिकायतकर्ता बन जाती है, अभियोजक भी और निर्णायक भी। गैंगस्टर एक्ट के नियम 22 के मुताबिक आरोपी के आपराधिक इतिहास को जांचे बिना भी गैंगस्टर एक्ट लगा सकते हैं। इस एक्ट के कारण प्रशासन को ताकत मिलती है कि वो बिना अदालती कार्रवाई के आरोपी की संपत्ति जब्त कर सकती है और तोड़ सकती है, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यूपी गैंगस्टर एक्ट की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी।